दोस्तों, यूं तो आपने हमेशा ही देखा होगा कि जब भी एक टीवी शो इंडस्ट्री में पॉपुलर होता है तो उसका सारा क्रेडिट शो की मुख्य भूमिका निभाने वाली अदाकारा को दिया जाता है, जो शो में एक पॉजिटिव किरदार निभाकर हर किसी के दिलों को जीत लेती है और शो को पॉपुलर बना देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई अदाकाराएं हैं जो शो में मुख्य अदाकारा की स्वातन की भूमिका निभाती है, पर इतने नकारात्मक किरदार के बावजूद इन एक्ट्रेस को शो की लीड एक्ट्रेस से ज्यादा सैलरी दी जाती है। ये सुनने के बाद अगर आप सोच में पड़ गए हैं और अभिनेत्रियों से रूबरू होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप टॉप 5 अभिनेत्रियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, मदालसा शर्मा। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेत्री मदालसा शर्मा का, जो कि वर्तमान में टीवी इंडस्ट्री में मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में अनुपमा की स्वातन की भूमिका निभाते हुए नजर आ रही हैं, जिनका ये किरदार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर किरदार के साथ ही मदालसा शर्मा फिल्मी जगत की काफी ज्यादा नाम है, जो साउथ इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुकी हैं और इनकी यही वैल्यू आज इन्हें शो की लीड एक्ट्रेस से भी ज्यादा सैलरी देने पर मजबूर करती है। जी हाँ, अनुपमा सीरियल में जहाँ अनुपमा की भूमिका निभाने वाली रूपाली गांगुली को 50,000 पर डे दिया जाता है, तो वहीं इनकी सौतन मदालसा शर्मा 55,000 रूपए चार्ज करती हैं। नंबर 2, स्वाति कपूर। जी टीवी का पॉपुलर शो कुंडली भाग्य आज टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर आने वाले शो में से एक है और इसी के चलते इस शो के कलाकार भी अपने शो की इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए काफी मोटी रकम चार्ज करते हैं। आपको बता दें कि शो की लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद श्वेता आर्या को 47,000 रुपए दिए जाते हैं, तो वही शो में इनकी सौतन माहिरा खन्ना की भूमिका निभाने वाली अदाकारा स्वाति कपूर करण की एक्स वाइफ है और इस तरह ये प्रीता की सौतन हुई, जो सौतन का किरदार निभाने के बावजूद 50,000 रुपए पर डे चार्ज करती हैं। नंबर 3, कृतिका देसाई। कृतिका देसाई आज अपने राधिका वीरानी वाले किरदार के साथ दर्शकों के जहन में बसी हुई है, जबकि इनका किरदार शो में स्नेहा जैन की सौतन का किरदार है, पर इन्होंने अपने अभिनय से अपने साइड रोल वाले किरदार को स्नेहा जैन द्वारा निभाए गए गहना के रोल से भी ज्यादा पॉपुलर बना लिया, इसलिए स्नेहा जैन से ज्यादा फेमस है और उनसे ज्यादा फीस भी लेती है। ये पर डे 45,000 रुपए तक चार्ज करती है। नंबर 4, लीना जुमानी। अभिनेत्री लीना जुमानी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, जो कुमकुम भाग्य सीरियल में प्रज्ञा की सौतन यानी तनु का किरदार निभा रही हैं। जी हाँ, वही तनु जो हमेशा ही उनके लिए मुसीबतें खड़ी करती है, जिसके चलते इनका किरदार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है और यही वजह है कि दर्शक इन्हें प्रज्ञा के किरदार वाली श्रुति झा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसीलिए ये पर डे 55,000 रुपए तक चार्ज करती हैं। नंबर 5, हिना खान। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेत्री हिना खान का भी है, जिन्होंने कसौटी जिंदगी की 2 में कोमोलिका की भूमिका अदा कर अनुराग की प्रेमिका और प्रेरणा की स्वतन का किरदार निभाया था। और जैसा कि सभी जानते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में लगातार कई साल तक काम करने के बाद हिना खान की पॉपुलैरिटी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जितनी है और यही वजह है कि हिना खान अपनी इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए मेकर से मोटी रकम चार्ज करती है। साथ ही कोमोलिका के नेगेटिव भूमिका को भी इन्होंने इस तरह पर्दे पर उतारा था कि ये शो की इन्हीं की वजह से पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ती चली गई और जिसके चलते इन्होंने मेकर से बहुत मोटी रकम चार्ज की और इन्होंने स्वतन बनने के लिए 80,000 रुपए तक पर डे चार्ज किया था। तो दोस्तों, इनमें से आपकी फेवरेट स्वतन रोल वाली एक्ट्रेस कौन सी है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।